मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची के इलाके कोरंगी में जहाँ पर मेरे साथ इस वक्त दुनिया के पस्तरीन यानी कि छोटे कल वाले मोहम्मद अदील मौजूद हैं जिन्होंने अपनी जोजा के साथ बड़ी मोहब्बत की है और इस वक्त इंतहाई कस्म पुरसी और शदीद बीमारी का आलम में मौजूद हैं क्योंकि मोहम्मद अदील जो हैं उनको हड्डियों में कैल्शियम की कमी है जिसकी वजह से उनको बहुत तेज़ी से उनकी सेहत गिर रही है लिहाजा हकूमत सिंध और वफाक हुकूमत मोहम्मद अदील का सरकारी ख़र्चे पर इलाज कराएं और माज़ूर कोटे पर इनकी जोजा अनम बीवी को कोई सरकारी नौकरी दी जा सके दी जाए ताकि ये खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकें और मोहम्मद अदील ने महमान अनम के साथ मोहब्बत की शादी की और शादी ऐसी ही कि नौ साल हो गए अनम ने भी तमाम मुश्किल हालात का बड़ी हिम्मत और हौसले के साथ मुकाबला किया है और अनम का कहना है कि मैं अपने शोहर किया हर कीमत पर साथ दूँगी चाहे मुझ पर मेरे ससुराल वाले कितना ही जुल्म करें इनकी मदद की जाए ताकि ये इस मुश्किल से निकलें क्योंकि इन पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं सलात वाल रसोल्ला वसलात हाबी वाज दारे हरम ओ निगाहे करम ताज़दारे दारे हरम ओ निगाहे करम हम फकीरों के दिल भी सवर जाएंगे मेरा नाम मदीर अहमद है मैं और मैं बचपन में मैं, मैं पढ़ाई कद का छोटे कद का नहीं हूँ बस मुझे यानी कि वो मोरक्यो सिंड्रोम मीकोपोलिस टाइप टा, फोर और कॉर्नल क्लाउडिंग है बचपन से रिसर्च हो रही है और बचपन से मैं पढ़ने का शौक़ था मैं पूरी पूरी किताब जो है जैनशीन कर लेता मैं हाथ ही दिमाग था तो हर कोई बोलता रहता है कि मेरे को बहुत ज़्यादा यानी कि आप यानी कि जबान चलती है तेज और फ़ौर जवाब देता था और कुरान शरीफ में मैंने बहुत ज़्यादा यानी कि पूरी वफा सेकंड आता था थर्ड आता था, था, था और यानी कि बस बहुत दो तकलीफें उठाई है हैं बचपन से मैंने बीमारी के मगर ऐसा नहीं था मगर ये नौ साल से ये मेरी शादी हुई बचपन में भी मेरे को यानी कि मैं घर वाले मेरे को करते रहते हैं बहन भाई भी नहीं करते थे प्यार बस अम्मी प्यार करती थी बस ये कि अम्मी बड़े भाई और बहन से करती हैं मगर बहुत ख्याल रखती हैं अभी भी वो दो दिन पहले जब कॉलेज करने से पहले मेरे से मिलने आई वरना तो कोई त्यौहार पे भी नहीं आता और ना ही कोई पूछना आता है दो मरता मेरे भी सांस रुकी करो ना के लिए डूट पौने दो साल से कहते मैं वो आल्दा ही आई आधी रात को मगर कोई भी नहीं आया अब भी नहीं आए दो भाई बहन भी नहीं आए वो अब आते भी हैं तो बस ऐसी कभी कभार बहुत मुश्किल मैंने बाईस साल में सिंध सेक्रेटेरियर गवर्नर हाउस के बाईस साल से चक्कर लगाते रहे तीन मरतों तक मैं डॉक्टर एक बात से मिला हर मिनिस्टर से मिला हूँ अपना अरफान वाला खान भर इतने बड़े डॉक्यूमेंट्स हैं अब मेरा दिखाना पॉसिबल नहीं है कि मैं अब मैंने गाना भी बनवाया ऑडियो वीडियो अपना पैसा खर्च करके ले आकर नेशनल हॉस्पिटल में काम करा वहाँ पे भी प्रमोशन नहीं होती थी फिर अबू ने वहाँ पे अम्मी को मेरी वजह तंग कर मैंने छोड़ दिया फिर वो डॉक्टर भी रिसर्च करके अपना नाम करके डॉक्टर ने जनरल में देना अस्पताल में मेरा नाम क्या डॉक्टर आज तो जो छोटे डॉक्टर थे आ रहे हैं वो वो पढ़ते हैं मेरा चैकटन मैं हर वहाँ पे गया मेरे को गवर्नर हाउस के बजाज साहब जीलानी इर्शाद जिलानी सलीम साहब सब ने मेरे को अपना जीना में भेजा वाइस चांसलर के पास और सिविल में भेजा फिर मैं वो बकाई में गया सब ने मेरे डॉक्यूमेंट्स रख के और ना अपना अपना वाह वाह करियो मेरे लिए फिर मैंने वहाँ पे ऑस्ट्रेलियन कॉन्सर्ट में कॉन्सेप्ट में वहाँ पे टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए करा वहाँ पाँच साढ़े पाँच लाख रुपए लग रहे थे तो किसी ने कहा कि वो एक ने के नेटेरियज में था एक बंदा सारन साहब तो वो उनको वो करवाते थे गवर्नमेंट के थ्रू मख्या राजे तो उन्होंने बोला हाँ मैं करवाऊँगा इतफाक़ से उनको पकड़े गए वो पता चला कि वही छील मेहमान के आदमी है तो फिर वो भी रह गया फिर मैं वहाँ भी गया तीन लाख रुपए मांग रहे थे तो वाइस चांसलर का हम बाहर आपका केस करेंगे और उसके बाद ना वो आपका हम अपना आपका तो भराना वो तो ये तो डॉक्टर पढ़ेंगे इससे तो, तो बड़ा फ़ायदा होगा ये वो आपको फ़ोन करके बुलाएंगे वो भी आई तीन साल हो गए नहीं है सब ने अपना मफाद देखा इंटरेस्ट देखा सब ने मेरे से फ़ायदा उठाया बहुत सब इस्लामाबाद में बाईस साल में जितने भी परवेज मुशरफ से आता करें और अभी तक जितने मिनिस्टर हैं अभी छोटे भाई ने मेरे फिर मेरे और मेरी बीवी से फायदा उठाया अपने वो घर वा अपने इलाके के सोशल वर्क के काम करवाए अपना लोड शेडिंग खत्म करवाए मेरे नाम पे गैस का और घर कटर लाइनों की लाइनें दिलवाई पानी की लाइनें दिलवाएं बिजली की के की पारक सब काम करवाए और हमारी हमारी हालत क्या बना दी बताएँ हम अपने ये मेरी माँ ने कितना मेरे लिए सब पूरा घर कमरा सजाया था मेरी सब अब अम्मी को छोड़ सब ने मेरे कमरे की और कि रेड़ मार दिया अभी भी अम्मी के पास पैसे होते तो अम्मी ज़रूर मेरे करते थे तो उनके हाथ खाली हो गए अब बारे उन्हें रिटायरमेंट के बाद उनके हाथ थे सब कुछ छीन लिया और उनकी वो सब बहन भाइयों ने मेरे को अम्मी से अलग कर दिया था वो मैं सुबह आठ बजे लेकर रात को साढ़े ग्यारह बजे तक वहीं पड़ा रहता था अम्मी का ख्याल रखता था हम दोनों करते थे मैं म, अपनी अम्मी की खिदमत मगर ये लोग मेरे को और मेरी बीवी को आगे नहीं आने देते अभी भी हम खिदमत करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो हमारी बदत करते हैं और बड़ा भाई और भाभी बहुत खुश होती हैं हमारी लोग तो हमारी बद दुआएँ लेते हैं और ये हमारे को मारते हैं और हमारे से बेजती करते हैं लोगों इन लोगों को दिल में ठंडक पड़ती है हमारी हमें तज्ली हमारी तज्लील करके और आज मैं बिल्कुल ऐसा हो गया मैं इनका इज्जत है सफेद पोष कोई ख़ानदान वाला नहीं आता ना ननियाला वाले ना दरियाल वाले सब गरीब समझ के कोई मुँह नहीं लगाता अम्मी जब तक थी आती तो वाजो मेहमान नवादी करती थी अम्मी आती सब आते थे अब कोई आता ही नहीं है अबू की कंजोती के बाद अब्बू ने भी हमारे को निकाल दिया वहाँ से वरना अम्मी अब बहु साथ बहु में झगड़ा होता फिर एक गए जाते थे मैं सड़ा करवा देता था मगर ये सब जो है ना घर वाले वो बड़ी भाभी और भाई ये हमेशा हमारे को ना हमारी बेजती करा के हमारे को सार करते और दुनिया वालों दुन ने हमारे साथ बहुत जुम करा मैंने छोटे भाई को और अब्बू को माफ़ कर दिया और बस मेरी अब आखिरी तथा चल रही है बस मैं क्योंकि कोई हॉस्पिटल में इलाज तो नहीं है मेरा ये क्या आगा खान मैं भी दिखा रहा हूँ मगर वो भी अभी डायग्नोस नहीं कर पा रहे कि क्या वजह है कि आपकी ये हड्डियों की वजह से आपको तकलीफ़ हो रही है ये क्या हो रही है बस ये है कि मेरे पास तो अब इतने हालात ख़राब होंगे इतनी महंगाई हो कर दी इमरान खान ने कि जो भी देते हैं ना उसमें उन्होंने भी बंद कर दिया अब मेरी दवाई दो में डॉक्टर को आहा खान में दिखा था, दिखा चुका अब दवाई और डॉक्टर की फीस भी खत्म हो गई खून टेस्ट के भी पैसे नहीं है और अब तो बहुत मुश्किल हम लोग एक टाइम खाते हैं और एक पा कोई दो 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 दिन चलाते हैं और नाश्ता तो करते ही नहीं हमें तो अब अंडे देखे भी, भी एक साल हो गए कितनी इतनी महंगाई कर दी हम इमरान खान ने तीन साल में कितना तो अच्छा खाता अल्लाह चाह अल्लाह का शुक्र था कि हम लोग गुजार रहे थे कुछ बचा लेते थे पैसे कि अपने घर का थोड़ा बहुत काम करवा लेते थे अब तो बहुत मुश्किल है हमारे किचन बाथरूम के कमरे की हालत बहुत हुई किसी को बुलाओ ये कमरा झाड़ो तो वो पैसे भी दे रहा है जब भी कोई कमरा झाड़ने नहीं आ रहा कोई मदद करने नहीं आता यहाँ पे इतनी मुसीबत होती है बारिश होती है इतनी तरह यहाँ तक पानी आया था कोई भी हमारे को पूछने नहीं आता हम यहाँ पे पढ़े होते हमारी इज्जत लूट ले मेरी बेगम की इज़्ज़त लूट ले मेरे को मार के चले जाए मेरा हम दोनों को चल करके चले जाए ये लोग उठते नहीं ना है ना फ़ोन उठाते फिर मम्मी उठाती हैं पर जिस दिन अम्मी ने नींद की दवाई खाई नहीं होती तो वो उनको फिर वो फ़ोन नहीं उठाती और अम्मी को भी हार पे पहुँचा दिया मेरे को भी अब बस मेरे को जीने की ख्वाहिश नहीं है बस मेरी बेगम के लिए रहने का वजह और जॉब हो जाए इसके लिए और वैसे भी तो लोग करना है बगैर वे अटेंडेंस किए हुए हाजिरी लगाए हुए घर में बैठे हुए जॉब जॉब पहले मगर ये हराम का तो है मगर मैं तो भाई जॉब के काबिल नहीं हूँ मेरे को तो एक दम कबर के लिए एक जगह मिल जाए और मदीने की जियारत हो जाए और कोई शौक़ नहीं है अब सब कुछ ख्वाहिशें ख़त्म हो गई मेरी और बस मैं तारीख अजीब से जो मेरे और दूसरे लोग जो मेरा फ़ोन नहीं उठाते मेरे को व्हाट्सअप पर ब्लॉक कर दिया है और आमिर से डी की साहब ये जो भी देख रहे हैं देख रहे मेरी हालत क्या हो गई लोग समझते हैं मैं ड्रामा कर रहा हूँ मैं भीख मांग रहा हूँ अल्लाह मेरी बेगा मेरी माँ ने तो मुझे पढ़ा दिखा के कहा था कि अपना अच्छा रोज़गार कमाएगा मैं तो फ़कीर बन गया अब वो भी बहुत अफसोस करती हैं तो भीख मांगा बन गया मैंने तो इसको पढ़ाया तो लगाया जगह जगह में उठा के अस्पताल लेके जा रही हैं ट्यूशन सेंटर लेके जा रही हैं स्कूल लेके जा रही हैं हम दोनों की हालत पूरी हो गई अब लोग बोलते हैं तुम्हारी जबान चलेगी तो हमारे हाथ चलेंगे अब अल्लाह तला ने दिमाग और दबान ही तो ये दिए पूरा जिसम बेकार हो गया एक यही तो खूबसूरती है उसमें भी ये हाल हो गया तारीख भाई को मैं कहता हूँ देखो तारीख आज बचपन का दोस्त और जिस मेरे साथ ऐसा करा अपनी शादी में भी नहीं बुलाया सबके साथ मैंने इतना सर नहीं क्या करी अल्लाह ताला ने किसी को कोई ना कोई खूबी रख दिया हमारा जिसम बेकार है मगर हमारा दिमाग और जबान है हमारे मेरे को दीनी और दुनियावी दोनों फिल्म में इतना अल्लाह माशाल्लाह तुम्हें हमें फ़खर या तकबर नहीं करता अल्लाह तला को पसंद नहीं है तकबूर तो मगर हम जब भी आगे आने की सोचते हैं घर में या अपना बाहर हर कोई हमें घर वाले भी बहन भाई भी और सब भी हमारे को इग्नोर कर देते हैं हमें बात निकल देते हमारे की दलील करते हैं घर वाले भी हमारे को ना आगे आने नहीं देते जबकि मैंने इतनी एफर्ट्स करे इतने इतने काम करे मगर गाने तो तो बनाए आडियो वीडियो जिन्हें बुक कोल्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड में क्लेम किया और फिर वेलफेयर ट्रस्ट बनाया फिर मैंने अपना सियासत में आना चाहे मगर किसी ने मेरे को आगे आने नहीं दिया क्योंकि मैं गरीब था छोटा करो मजबूर था और मेरी शक्ल अच्छी नहीं थी अब लड़की होती क्या अमीर होता मैं और राहत पड़ती होता तो फिर मेरे को भी आगे आने दिया था और मेरे को सब ऐसे कर रहे हैं अस्सलाम वालेकुम मैं कराची से हूँ मेरा रामाना है मैं ग्री पाँच नंबर पर रहती हूँ प्लीज़ मेरी आप रोजी फिर से मेरी बहुत ज़्यादा परेशान हूँ प्लीज़ आप लोग मेरी हेल्प करें आज के दौर में कोई किसी का नहीं है रिश्तेदार भी अपने नहीं है या बाहर वाले अपने तो बाहर वाले भी हैं बढ़ते है। अपने नहीं करते तो हम क्यों करें आपके साथ हेल्प तो दूसरी बात है रिश्ते भी किसी काम के नहीं है ना, नाम के और दूसरी बात ये मैं बहुत परेशान हूँ मैं अपने शोर के नौ नौ साल हो गए नौ साल से उनका साथ दे रही हूँ मैं इनकी हिम्मत बनकर इनका सहारा इनका साथ दे रही हूँ प्लीज़ आप लोग मेरे लिए हेल्प कर रहे हैं कुछ कर रहे हैं क्योंकि कोई किसी का नहीं है आज को दौर में लोग जिससे हम जिससे हम मदद मानते हैं तो लोग दस बातें सुना कर फिर हमारी मदद करते हैं बेजती करके पैसे देते हैं तो इज़्ज़त बहुत बड़ी चीज़ है तो हम चाह रहे हैं हमारे लिए कुछ हो जाए और फिर प्लीज़ हम लोग ये चाह रहे ये बस हम चाह रहे हमारी हम मेरे शोर की ज़िंदगी में मेरा कुछ हो जाए तो नहीं ये होकर मेरी बर्बादी हो तो क्योंकि ये मुझे घर से बाहर निकाल के भेज देंगी लोग क्योंकि ससुराल वाले भी मेरे अपने नहीं हैं कोई किसी का नहीं है माँ बाप है मेरे वो गरीब है किराए का मकान है वो भी मेरा साथ नहीं देते क्योंकि वो और भी गरीब मेरा भाई भी एक hm, है मैंने बचपन से बिल्ली का पालने का शौक़ है और ये मेरी बिल्ली मेरी यानी कि बहुत हमारे समझिए हमारे पास औलाद नहीं है तो अल्लाह ताला ने हमें ये दे दिया मेरे खेलते रहते क्या पता इसकी दुआ से हमें औलाद हो जाए और बस बहुत शौक़ है हमारे साथ सोती है खाती पीती और वो बस हमारा बस बहुत ज़्यादा इससे दिल लग रहा था क्योंकि हमारे पास कोई आते ही नहीं है तो हम इससे अपनी बिल्ली के साथ नौ साल हो गए इस कमरे में बंद है हप से भेजा मैं ये समझे बस माँ ही आती है वो भी माँ को फालिज गिर गया वो कैसे आएगी अल्लाह ताला उनको ठीक कर दे बस उनके कहने पे सबर सबर करके नौ साल से सबर कर रहे हैं अम्मी को भी ये हाल हो गया और हमेरा भी बस अल्लाह ताला हमें औलाद दे दे बारिश से वह हमारी नस्ल चल जाए जा जा जा, नसल आ, तेरे नस्लें पाक में बच्चा बच्चा नूर का बस अल्लाह ताला हमें औलाद दे दे बस और कोई ख्वाहिश नहीं है